हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आज हम बनाने वाले हैं वॉल हैंगिंग्स। जी हाँ, ये देखिए कितने देखने में सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और इस पर ड्रॉ कर ली है एक फ़िश। तो देखिए इस तरह से फ़िश ड्रॉ करके इसको मैं कट कर लूँगी। इसी तरह से मैंने और भी फ़िशेज कट कर ली हैं और अब मैंने ले लिया है ये पेपर मैशी। इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, जो हमने कार्डबोर्ड का पीस कट किया है उसको पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और पेपर मैशी कैसे बनाना है ये तो हम पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं, और अगर आपको फिर से वो वीडियो देखना है तो मैं लिंक शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको फिर से देख लीजिएगा। फिश हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं एक यहाँ पे बीट भी दिखाती हूँ आपको बना के। बीट्स भी मैंने बनाई हैं और मार्केट से नहीं ली हैं, आप चाहे तो मार्केट से लेके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बीच में क्योंकि मुझे होल चाहिए था तो मैंने ब्रश में इसको डाल के और ये बीट भी रेडी कर ली है, और इसका देखिए इस तरह से बीच में होल कर लिया है और बस अब ये रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने और भी बीट्स बना ली हैं और इनको अब हम सुखा लेते हैं। तो बस ये दो दिन हो गए हैं और ये सूख चुका है पूरी तरह से। अब हम इसको कलर करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद जो भी आप कलर करना चाहें जैसा भी उस तरह से आप कर सकते हैं। कहीं से रेफरेंस भी ले सकते हैं किस तरह से आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, किस तरह से आप इस पर कौन सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो भी आप इस पर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फिशेस बना ली हैं और उन पर वाइट पेंट भी कर लिया है। मैंने इसमें बाहर का सिर्फ कलर्स और रोप यूज़ की है। आप चाहें तो बीट्स भी बाहर से ले सकते हैं। बीट्स भी मैंने अपने आप ही बना ली हैं और देखिए इस तरह से हमने जितनी भी फिशेस बनाई हैं और जितना भी हमने बीट्स वगैरह बनाए उनको पूरा हम पहले वाइट पेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद इन पर कोई और कलर अप्लाई करेंगे, जो भी आपका मनपसंद कलर हो, जो भी आप इस पर कलर करना चाहें, जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें। देखिए फिशेस तो हो गई हैं। अब मैंने जो बीट्स बनाई हैं उन पर भी मैं वाइट पेंट कर लेती हूँ और इनको एक दो घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही कोई कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको भी हम सूखने का थोड़ा सा टाइम देंगे। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए इस तरह से इनको पहले मैंने पेंट कर लिया है अच्छे से और फिर इस पर आप जो कलर चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं येलो कलर से स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले इस तरह से, और जो मैंने और भी फिशेस बनाई हैं उनको भी मैं साथ साथ में कलर कर रही हूँ। मैं आपको एक ये दिखा रही हूँ फिश, देखिए इस तरह से मैंने इस पर येलो कलर किया, फिर इसके ऊपर फिर अब मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर, और इन कलर्स को भी हम थोड़ा सूखने का टाइम देंगे। और इसके देखिए पीछे भी मैंने रेड और ऑरेंज थोड़ा सा मिक्स करके शेड देते हुए कलर किया है। आप चाहें तो कोई भी कलर कैसे भी आप कर सकते हैं, कहीं से जैसे रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसको हम धीरे धीरे कलर कर लेंगे। ये मेरी दूसरी फिश है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लाइक तो ज़रूर कर ही रहे होंगे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो वो भी प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वेस्ट सामान से हम बनाना सीख रहे हैं, तो आप भी बनाइए अपने घर में ये सब चीज़ें और अपने घर को सजाइए, क्योंकि अपने घर में अपने आप चीज़ें बना के उसे सजाना उसमें एक अलग ही खुशी होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये भी पेंट कर ली है, और जब आप बनाएं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि वो कैसा बना, जो भी आपने बनाया हो अभी तक वीडियोस देख के वो कैसा लगा आपको और कैसा बना, दोनों बातें मेरे संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से अब मैंने इस फिश को भी पेंट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा सब पे पेंट जैसा भी मुझे अच्छा लग रहा था मैंने उनको पेंट कर लिया है, और ब्लैक जो हमारा एक्रेलिक कलर था उससे मैंने इनमें लाइनिंग कर दी है और अब इस पर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस तरह से चाहे तो अपने बचपन को याद करते हुए जो एक टिपिकल डिज़ाइन होता था फिश का हम लोग बनाते थे, वो भी इसमें बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बीच में मैंने कहीं कहीं वो भी ट्राई किया है। इन डिज़ाइंस को बनाने के बाद इसको सुखा लें और उसके बाद वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलें। तो बस इस तरह से जैसा भी आप बनाना चाहें डिज़ाइन बनाइए और अपने घर को इनसे सजाइए। बस इस तरह से इनको मैंने सबको बना लिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, ये लग ही नहीं रहा कि ये घर पे बनी हुई हैं और कितनी ईजी बनाई हैं ये देखिए। इस तरह से मैंने मेटालिक कलर से जो बीट्स बनाई थी उनको भी कलर कर लिया है और ये एक दो डिज़ाइंस और बनाए हैं। बस अब मैंने ये रोप ले ली है और इस रोप पे हम इनको अरेंज कर देते हैं। तो ये देखिए एक बेल जैसा भी बनाया है मैंने और इसमें रोप मैंने नीचे डाल के नॉट लगा दी है। ये मेरे पास है ग्लू गन, अब ग्लू गन से हम इनको चिपकाते चले जाएंगे। ये देखिए बीट्स डाल रही हूँ मैं सबसे पहले, बेल डालने के बाद, जो बेल मैंने बनाई थी उसके बाद मैंने बीट डाल दी है, और ये बीट्स भी कितने सुंदर लग रही हैं ये, और लग नहीं रहा ना जैसे हमने इन्हें घर में बनाया हो। देखिए रोप जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी इसको
उसके अंदर डालने के लिए जो इसमें हमने होल किया था, तो मैंने उस पर थोड़ा सा ग्लू गन लगा के ऊपर से चिपका दिया है हल्का सा उसको, जिससे कि उसके रेशे एक साथ हो गए हैं और वो ईजी हो गया है मेरे लिए इसमें टाई करना। और ये देखिए मैंने इस तरह से ग्लू गन से ही चिपका दिया है। इसके पीछे भी हम वाइट पेंट कर देंगे। और ये देखिए बीच बीच में नॉट लगाते जा रही हूँ, हम चाहे जैसे उसको अरेंज करना चाहें कर सकते हैं। बस अब हम इस पर एक फ़िश जो है वो पेस्ट कर देते हैं और पीछे से भी ग्लू लगा देती हूँ मैं, जिससे ये अच्छे से चिपका रहे, उतरे नहीं बिल्कुल भी। और इसके ऊपर भी मैं वाइट पेंट कर दूँगी बाद में। मैंने वार्निश कर ली है और ये देखिए एक और नॉट लगा दी है। अब एक सिल्वर कलर का भी ले लेती हूँ मैं। इस तरह से नॉट लगा के आप बनाते चले जाइए और देखिए कितना ईजी और कितना सुंदर बनता है ये। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन बनती बहुत सुंदर है, कलरफुल, बहुत प्यारा लगता है। और जब आप इनको अपने आप बना के लगाते हैं, कहीं भी घर में डेकोरेट करते हैं, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो उस चीज़ को भी हम फील करते हैं कि अच्छा ये भी हमने ट्राई किया था कभी, तो वो चीज़ अलग होती है। तो बस इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर लिया है और ग्लू भी अप्लाई करती जा रही हूँ मैं साथ साथ में। और एक और नॉट लगा लेते हैं अब यहाँ पर हम, और इसके बाद एक और बीट भी हम डाल लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, पिंक कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा है। और बस अब ये रेडी हो गई है। अब सबसे ऊपर भी हम इसमें एक नॉट, क्योंकि हमें जहाँ भी इसको टांगना होगा उसके लिए कुछ तो चाहिए, तो फिर हम बस इसमें ऊपर की तरफ एक और नॉट लगा देंगे और ये हमारी रेडी हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी हो गई है रेडी। अब इसी तरह से मैं दूसरा जो हमारा सेट है वो भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए घर के बेकार पड़े सामान से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जो बहुत देखने में सुंदर लगती हैं और थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो बहुत अच्छी सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आप भी अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि ये कैसा लगा। देखिए इस तरह से मैंने एक और वॉल हैंगिंग रेडी कर लिया है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। और बस ये जो नीचे जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया है। वाइट पेंट से ये जो ग्लू है इसको भी कवर कर दिया और ये अब हमारी रेडी हो गई है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।